चलो एक फ्लैट है उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मोशन स्टार्ट हुआ, पहले नीचे से स्टार्ट हुआ, डेरिवेशंस हुई, फिर ऊपर बढ़ा ऊपर बढ़ा, ऑब्जेक्टिव शीट्स आई, और ऊपर बढ़ता 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 जा रहा है, और ऊपर भी बढ़ सकता है ये, इसकी कोई लिमिट ही नहीं आके ऊपर। अपर लिमिट नॉन मेडिकल मेडिकल में है ही नहीं, बस आप सोच भी नहीं सकते, आप 6 महीने पूरा मोशन कर सकते हो, इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक, तो आप लोग जब पढ़ेंगे हर चैप्टर के साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि पहले फ्यू लेक्चर एनसीईआरटी पे चलेंगे, एक हफ्ता मान लो एनसीईआरटी पे चलेगा, एक टॉपिक एनसीईआरटी चलता है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का फॉर्मेट ऐसा नहीं हो सकता ना कि पता लगे कोई स्टूडेंट कोप अप नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट वो एनसीईआरटी लेवल को तो कम से कम ठीक करेगा ना, तो एनसीईआरटी ठीक करेगा। फिर कॉम्पिटिशन में लेवल्स होते हैं, पहले लेक्चर में ईजी ऑब्जेक्टिव आते हैं, एवरेज वेलोसिटी, फिर थोड़ा सा और बढ़ता है, थोड़ा और बढ़ता है, तो ऐसे लेवल्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, हर चैप्टर में ऐसे रहेगा। पहले 3 महीने जबरदस्त एफर्ट करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन। आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार मेरे से नहीं हो रहा, आप जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको फील आ सकता है कि यार होता तो है नहीं, आंसर एक भी ना निकला, 1 घंटा हो गया, 4 न्यूमेरिकल किए, 4 के 4 ही नहीं हुए, ऐसा भी हो सकता है, बट इट्स ओके, आपको लगे ही रहना है। और इसका तरीका मैंने आपको बताया, मैं मैसेज भी डाल रहा हूँ आजकल ग्रुप में, 12:15 पे क्लास स्टार्ट होती है, मैं या मैम लेते हैं, उसमें हम कुछ नहीं करते। आपको अगर ये वहम है कि मुझे आया नहीं, आपको आने ना आने की प्रॉब्लम ही नहीं है इस चैप्टर में, सबको पता है यू क्या है, सबको पता है वी क्या है, वी इज इक्वल यू प्लस एटी, किसको नहीं पता, सबको पता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है कि आप लोग उसको बैठ के पेशेंस के साथ ट्राई नहीं करते, पेशेंस टूट जाती है इतने में। तो आप 12:15 बजे आओ, कई लोग आ भी रहे हैं मैं देख रहा हूँ रोज, तो वो लोग कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, पढ़ाते थोड़ी ना, क्लासरूम टीचिंग थोड़ी ना वो कोई। आप अपनी किताब लेके आए, मैं एक किताब रिकमेंड कर रहा हूँ आज ग्रुप पे भी डाल रहा हूँ, SL अरोड़ा की बुक है, तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सॉल्व अनसॉल्व हैं, जैसे मोशन चल रहा है मोशन ट्राई करें, वेक्टर चल रहा है अब वेक्टर ट्राई करें, तो वहाँ पर एक एक क्वेश्चन यहाँ बैठ के सॉल्व करना है बस, जहाँ फंसोगे वहाँ वो हम बता देंगे कि इसको ऐसे करना है, करना आप नहीं है। तो जो काम, क्योंकि जब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ऐसे होता है, आप लोग कर रहे होंगे मेरे, आप आ रहे हैं ऐसे ही है, शुरू में तो पहला दूसरा क्वेश्चन अटकता है, फिर आप 2-3 और प्लस हुआ होगा, फिर ऐसे धीरे 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 दो दो स्टूडेंट जैसे आ रहे हैं, 2 इकट्ठे बैठते हैं और भी दिमाग लगता है, तो धीरे धीरे करके 6-8 दिनों के अंदर आपका मोशन एकदम ट्रैक पे आ जाएगा। किसी भी चैप्टर के अंदर ऐसा ही करना पड़ेगा, अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे हो गया हो गया हो गया तो नहीं होगा, आपसे एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूं। फिजिक्स से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बैठना ही पड़ेगा, समय लगाना ही पड़ेगा, आप आज लगाएं कल लगाएं जो मर्जी करें, तो बेस्ट तरीका यही है। अगर आप घर में नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप घर में भी नहीं कर रहे और आप 12:15 भी नहीं आ रहे तो फिर तो देखो प्रॉब्लम ही है ना, ना आप इसका मतलब करना ही नहीं चाह रहे, ठीक है ना। मैं बिल्कुल रिकमेंड कर रहा हूँ आप अपनी किताब उठा के यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे रोज के 10 क्वेश्चन कर जाएं बस, चाहे तो आप यहाँ लंच पैक करा के ले आएं, आप 1:15 तो हो ही जाते हैं यहाँ पे, फिर आगे 3 बजे क्लास है, यहीं बैठ के आगे पढ़ लें, हमारी कौन सा क्लास है, खाली क्लासरूम पढ़े तो लोग यहाँ पढ़ ही रहे होते हैं काफ़ी देर तक, फिर प्लस टू के स्टूडेंट भी आते हैं बाद में, +1 के भी आते हैं, तो आप अपना काम आराम से करते रहें, बैठना पड़ेगा। घर में आपका मोमेंटम बन नहीं पाएगा, कुछ लोग बना पाते हैं, कुछ लोग घर में कंफर्टेबल है तो मत आएं, जो नहीं बना पा रहे वो आएं, ठीक है राइट। तो बाद में ये ना कहें मोशन मुश्किल है, आप ये कहें मैंने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मोशन में 3 इक्वेशन है, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, एस इज यू टू हाफ 80 स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू टू है, मैं चौथी तो यूज ही नहीं करता, तीनों के साथ तो खेल ही जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन मुश्किल तो आप ही कर रहे हैं ना, ना करके मैं तो ना कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक तो प्रैक्टिस चाहिए होगी। पहले 3 महीने खूब प्रैक्टिस है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद एकदम स्मूथ है, मैं काफी बार बता चुका हूं आपको राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन से। देखो वेक्टर एडिशन का मतलब है 2 वेक्टर्स को ऐड करना। हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर का एलजेब्रा। एलजेब्रा में मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हम भी यही करने वाले हैं। हम 2 वेक्टर्स को पहले ऐड करेंगे तो मैं क्या सिखाऊंगा, वेक्टर एडिशन। फिर 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सिखाऊंगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर
डिवीजन होती नहीं है, तो तीन ही होते हैं ऑपरेशन इसमें, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक वेक्टर ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे दो वेक्टर को तो वेक्टर ही आएगा, लेकिन कैसे करेंगे इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक कॉमन क्वेश्चन, बड़ा बेसिक क्वेश्चन, कि आपके पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे दो लोगों ने फोर्स लगाई, एक फोर्स लगाई 10 न्यूटन मेरी तरफ और दूसरी फोर्स भी लगाई 10 न्यूटन मेरी तरफ, तो दो फोर्सेस हैं 10 एंड 10, दोनों मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैं, तो दोनों की डायरेक्शन में एंगल क्या बना, जीरो, दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, राइट। मेरा एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बोलो नेट फोर्स कितनी है बॉडी पे, तो 10 प्लस 10 20, कॉमन सेंस क्या कहता है कि भाई दोनों को ऐड कर दो तो ज्यादा फोर्स लगेगी 20। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि एक फोर्स राइट है 10, एक फोर्स लेफ्ट है 2, बोलो नेट फोर्स कितनी है, 8 न्यूटन कहां टूवर्ड्स राइट। अच्छा तीसरा क्वेश्चन, अगर एक बॉडी है 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, क्या ये मूव कर पाएगी, नहीं, नेट फोर्स कितनी। देखो आपका जो कॉमन सेंस है ना वो डायरेक्शंस को अपने आप एडजस्ट कर रहा है। जब मैं दो फोर्सेस की डायरेक्शन इधर लेता हूँ, आप ब्लाइंड नहीं चल रहे, आप ऐसे नहीं कह रहे सर ने कहा फोर्स को ऐड कर दो तो पहले केस में आंसर 10 प्लस 10 20, दूसरे केस में 10 प्लस 2 12, नहीं आप ऐसा नहीं कर रहे, आप सोच रहे हैं कि डायरेक्शन अगर इधर है तो दोनों फोर्सेज ऐड होंगी, इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन ऐड होंगी, इफ दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन दो आंसर तो आप अपने कॉमन सेंस से दे गए। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर एक फोर्स है 20, एक फोर्स है 10 और एंगल इनके बीच में 30, बोलो नेट फोर्स कितनी है। अब यहां पर कॉमन सेंस फेल हो जाएगी, अगर मैं एंगल 60 करूं अलग आंसर आएगा, 45 करूं अलग आंसर आएगा, यहां कॉमन सेंस नहीं चलेगी। आपका कॉमन सेंस सिर्फ दो क्वेश्चन में चल सकती है, आपका आंसर सही है दो क्वेश्चन में, आप ये आंसर दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपको इसके लिए क्या सीखना पड़ेगा, एक लॉ सीखना पड़ेगा कि वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो कुछ रूल्स हैं वेक्टर को ऐड करने के और वो रूल्स हम करने जा रहे हैं, तो टॉपिक का नाम क्या है, वेक्टर एडिशन। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर में दूंगा आज लेक्चर के एंड में, पहले मैं क्या सिखाऊंगा, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं यानी कि वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड करने के तीन तरीके हैं, कुछ लॉज हैं। पहला तरीका, वेक्टर को ऐड करने का पहला तरीका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ है, लॉ यूज करना पड़ता है। तो पहला लॉ क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ये लॉ लगाएं, आपका आंसर आएगा। लॉ क्या है बताता हूं अभी। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ से भी दो वेक्टर ऐड किए जा सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ से भी दो वेक्टर को ऐड किया जा सकता है। तीसरा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन में दो से ज्यादा वेक्टर्स को इकट्ठे ऐड किया जा सकता है, पॉलीगन में एन नंबर ऑफ साइड्स आती हैं। तो कुल मिला के तीन लॉज हैं जो हम करेंगे, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। आपके एनसीईआरटी में स्कूल लेवल पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन इनमें से गारंटेड आएगा जो मैं करवाने जा रहा हूं। तो एनसीईआरटी का पेपर प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ये आएगा आएगा, कंपटीशन एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक, ये समझ में आएगा। तो ये क्लियर है यहाँ तक। जैसे ये कोई मान लो कोई पत्थर, इस ये गुलेल है, ये पत्थर है और ये फेंकेगा, तो दो स्ट्रिंग्स देख रहे हो, दो स्ट्रिंग टेढ़ी हैं लेकिन पत्थर बीच में से जाता है, ऐसा क्यों, जबकि स्ट्रिंग्स तो टेढ़ी हैं, उड़ता हुआ बीच में से जाएगा। ये सब वेक्टर लॉ आपको बताएगा, वेक्टर एडिशन बताएगा इसका आंसर भी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक से जिसका नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है यहां तक। इसके लिए नेक्स्ट शीट, शीट नंबर 14।